हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विस्ट इन किचन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्थी ब्रेकफास्ट या फिर लंच की रेसिपी, जो आप इसे दही के साथ ले सकते हैं या फिर दाल के साथ भी ले सकते हैं। और ये आप इसे वेट लॉस रोटी या पराठा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, ये फाइबर रिच, प्रोटीन रिच और बहुत सारे मिनरल से रिच है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। ये है मिक्स वेज ज्वार की रोटी, यानी कि सोरगम की रोटी। आप इसे चाहे तो पराठा भी कह सकते हैं या फिर आप इसे पैनकेक भी कह सकते हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी है। इसमें जो वे प्रोटीन है वो एक कप में आपको 22 ग्राम के अराउंड मिल जाएगा, तो ये प्रोटीन रिच डाइट है, तो जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं हमें इन सब के लिए रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ी सी कैबेज, गाजर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, यहाँ पर है थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी कुकुम्बर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और एक छोटा सा टमाटर जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और एक इंच अदरक का टुकड़ा इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक कप ज्वार का आटा और एक ग्रीन चिली। तो अब हम इन सारी सामग्रियों को एक बाउल में ले लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आप इसे इजीली 10 से 15 मिनट में बना लेंगे। ज्वार जो है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम एंड आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। मैंने यहाँ पर ऐड किया है जीरा, काली मिर्च, नमक, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा ज्वार का आटा। ज्वार जो है उसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्प करता है और गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्या में भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका सेमी सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। ज्वार के जो लेयर्स होते हैं उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, तो वो आपको फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करने में भी हेल्प करता है, तो वो आपको प्रीमेच्योर जो एजिंग होती है उसको डिले करेगा। और दूसरा जो इसमें है कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो ये आपके हेल्दी बोन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। दूसरा ये जो है ग्लूटन फ्री है, तो इसे हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए अपने डाइट में। तो यहाँ पर मैंने धनिया ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और ये देखिए हमारा जो डो है वो रेडी है, इतना ही हमें सॉफ्ट आटा चाहिए। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, मेरी बेटी का बना लिया है मैंने, तो आप जितना हो सके फ्रेश इन्ग्रीडियंट ही यूज़ कीजिए, लाल मिर्च के बजाय आप हरी मिर्च ऐड कीजिए। तो रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, और इसे मैं गीला कर रही हूँ पानी के साथ, और थोड़ा सा डो लेकर इसे हम हाथों की सहायता से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप अपने हाथ भी गीला कर लेना ताकि जो स्प्रेड करने में है आपको आसानी हो। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी जो रोटी है वो बन गई है, तो अब हम इसे गरम तवे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो रोटी है इसमें मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ की है, तो ये और भी हेल्दी बन गई है। यहाँ पर कैरेट है, कुकुम्बर है, गाजर है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, तो ये सब भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है, तो ये एक ओवरऑल एक कंप्लीट मील हो गया। तो आप इसे सिर्फ दही के साथ या फिर होममेड पिकल के साथ लेंगे तो ये बहुत ही हेल्दी मील बन जाएगा आपका। तो थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके हम इसे दोनों तरफ से पका लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखा रही हूँ, और ये बहुत ही आसान है बनाना, इसे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा भी बना लिया है और ये तीसरा भी, तो ये बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे घी से सेक लीजिए तो ये और भी हेल्दी हो जाएगा। आप चाहे तो इसे कोई भी ऑयल के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लाइक आप जो भी ऑयल करें वो वुड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करें, रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर ऐसी ही हेल्दी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हैं जो हेल्दी खाना अपने डाइट में ऐड करें।
थैंक यू अगेन, सी यू सून अगेन विथ न्यू हेल्दी।